हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं एग्जाम नोटबुक। इसके पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हमने बात करी थी हब के बारे में, स्विच के बारे में, राउटर्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और भी नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, जैसे ब्रिज, गेटवे और भी बहुत सारी डिवाइसेस की हम बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे। जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोज नहीं देखी है वो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो वहां से वो वीडियोज देख सकते। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं ब्रिज के बारे में। ब्रिज क्या होता है? तो ब्रिज क्या होता है? ब्रिज क्रिएट्स ए सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क और नेटवर्क सेगमेंट। ब्रिजिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द राउटिंग। मतलब ये हुआ कि जो ब्रिज डिवाइस होती है ये इस्तेमाल की जाती है दो डिफरेंट तरह के दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के, बट उनका जो नेटवर्क सेगमेंट होना चाहिए, जो या प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। कह सकते हैं कि ब्रिज एक एक्सटेंडर का काम करता है जो दो दो लैंड नेटवर्क को आपस में जोड़ सकता है जो सेम टाइप के हैं, उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिज। ये राउटिंग से डिफरेंट होता है। राउटर जो हम यूज करते हैं, राउटिंग में हम और दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स को लिंक अप कर सकते हैं, दो अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट क्रिएट करते हैं, बट ब्रिज में ऐसा नहीं है। ब्रिज क्या है? एक सिंगल नेटवर्क क्रिएट करता है दो नेटवर्क्स को मिलाकर। जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ है। अगर एक लैन नेटवर्क है लैन बी है और एक लैन नेटवर्क है लैन ए है, और इन दोनों के बीच में अगर एक ब्रिज लगा दिया गया जिससे ये क्या, ये दोनों नेटवर्क मिलकर एक हो, ये दोनों लैन एन लैन बी दोनों मिलकर इस ब्रिज डिवाइस की वजह से दोनों नेटवर्क मिलकर एक सिंगल नेटवर्क के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। तो ये काम हमारा होता है ब्रिज का। हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड राउटर क्या होता है। तो ब्रिज और राउटर में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो होता है कि ये जो ब्रिज है ये क्रिएट करता है दो लैन को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी कि लैन ए लैन बी दोनों को मिला करके एक नेटवर्क में एस्टाब्लिश कर देता है। बट राउटर जो होता है ये दो अलग अलग तरह के नेटवर्क को अलग अलग तरह से ट्रीट करता है, यानी कि ये लैन अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग है, और ये लैन अलग नेटवर्क, यानी कि दो डिफरेंट तरह के लैन को जो जोड़ करके उनके बीच में एक रास्ता पाथ बना करके वो नेटवर्क को इंटरप्रेट करके चेंज करके हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन में मदद करता है, यानी कि दो डिफरेंट तरह के लैन को कम्युनिकेशन में मदद करता है और उनको आपस में जोड़ता है राउटर। बट ब्रिज जो होता है वो दो सिमिलर टाइप के नेटवर्क होंगे उनको जोड़ने में मदद करता है। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं गेटवे की। ये गेटवे क्या होता है? तो गेटवे इज नेटवर्क नोड। एक तरह का क्या है नेटवर्क नोड? ये कुछ भी हो सकता है, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, ये कोई डिवाइस, एक नेटवर्क नोड हो सकता है। नेटवर्क नोड का मतलब ऐसी कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क में यूज की जा रही है, इसको हम नेटवर्क नोड कहते हैं। नेटवर्क नोड एक सिंगल पीसी भी हो सकता है, एक कोई डिवाइस भी हो सकती है, विच इज यूज टू टेलीकम्युनिकेशन दैट कनेक्ट टू नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, यानी कि दो अलग अलग तरह को नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गेट, जैसे हमारा राउटर, तो राउटर इज राउटर डिवाइस जो बेसिकली तरह का गेटवे डिवाइस भी है। राउटर जो हमारा तरह एक तरह का गेटवे डिवाइस है, बट गेटवे हर वो डिवाइस को हम कह सकते हैं जो दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए काम में आता है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं ग्राफ में एक गेटवे है जो कि एक ये एक नेटवर्क एस्टेब्लिश है और ये हमारा इंटरनेट नेटवर्क, और इन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए हम एक गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पीसी भी हो सकता है जो नेटवर्क स्टेब, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन जब हम हॉटस्पॉट स्प्रेड करते हैं तो हॉटस्पॉट आगे लैन में स्प्रेड करता है, तो हॉटस्पॉट जो हमारा मोबाइल है वो एज ए गेटवे काम करता है। तो गेटवे हर वो डिवाइस है जो दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम करें। अब हम बात करते हैं रिपीटर की। रिपीटर क्या होते हैं? रिपीटर का मतलब होता है रिपीट करना किसी चीज को। तो रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज यूज इन कम्युनिकेशन चैनल विच इंक्रीज द पावर ऑफ ए सिग्नल, जो इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिपीटर। जैसे कि हम देख सकते हैं ग्राफ में, आप लोगों ने ये देखा होगा टावर बहुत जगह लगा हुआ है। तो टावर जो आप देखते हैं वो जो लगा उसका काम क्या होता है? ये ऐसे रिपीटर काम करता है। जहां पे हमारा नेटवर्क सिग्नल लो हो रहा होगा वहां पर ये नेटवर्क क्या करेगा, बूस्ट करके आगे ट्रांसमिट करेगा। तो रिपीटर का काम यही होता है, नेटवर्क ऑलवेज जो नेटवर्क सिग्नल है उसको बूस्ट करके आगे भेजने के लिए जिन डिवाइसेस का उपयोग किया जाएगा वो रिपीटर करेगा। इन रियल लाइफ हमारे टावर हमने देखे हुए हैं, ऐसी छोटी डिवाइसेस भी आती है जो छोटे नेटवर्क को स्पीड को बूस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। तो रिपीटर क्या है, रिपीटर एक तरह की डिवाइस है जो कि नेटवर्क को बूस्ट करके आगे ट्रांसमिट करने में हमारी मदद। अब हम बात करते हैं मॉडेम की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड, मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। जब भी हम इंटरनेट से सिग्नल्स रिसीव करते हैं, इंटरनेट सिग्नल रिसीव करते हैं, ओवर द एयर हमारे पास आती है। ओवर द एयर जो नेटवर्क सिग्नल ट्रेवल करता है वो ऑलवेज एनालॉग हो सकता है, डिजिटल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे जो मोबाइल है या हमारा पीसी है वो ऑलवेज डिजिटल ट्रांसमिशन को ही समझता है। इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो डिजिटल एनालॉग एनालॉग टू डिजिटल हमारा ट्रांसलेशन कर पाए, जिससे हम जो एनालॉग सिग्नल है कंप्यूटर में इंटरनेट का या नेटवर्क का वो हम रिसीव कर पाए। तो दिस मॉडेम इज डिवाइस जिसका इस्तेमाल कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल टू। तो मॉडेम हर वो डिवाइस होती है जो कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर को काम करे, यानी कि जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करे। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स में होता है, मोबाइल फोन में हमारी वॉइस होती है, वॉइस हमारी एनालॉग वॉइस को ट्रांसलेट करता है डिजिटल में, तो वो हमारे वहां पे मॉडेम इस्तेमाल हो रहा है। इंटरनेट सिग्नल हमें मोबाइल में मिल रहा है, वहां पे भी हमें क्या मिल रहा है, ओवर द एयर मिल रहा है एनालॉग सिग्नल। तो हमारा मोबाइल जो है वो डिजिटल पे चलता है, डिजिटल ट्रांसमिट करेगा। हमारे लैपटॉप में इंटरनेट सिग्नल चाहिए, वहां भी इसको ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से जहां भी एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग में ट्रांसलेशन होगा उसको हम बोलेंगे मॉडेम, उस डिवाइस को बोलेंगे मॉडेम। ये हमारी मॉडेम डिवाइस है समथिंग। आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस आती हैं राउटर में, इन मॉडेम ऑलवेज इनबिल्ट हो राउटर में, ब्रिज में, ये सारी डिवाइसेस जो होती है जो गेटवे गेटवे में, ये डिवाइसेस जो होती है इसमें ऑलवेज मॉडेम इनबिल्ट होता है, जिससे हम जिसका हम इस्तेमाल कर पाते हैं एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग में ट्रांसलेशन का। मैक्सिमम डिवाइसेस आज की डेट में जो आती हैं सारी की सारी मैशअप होती हैं, उसमें सारे फीचर्स होते हैं, उनको हम कॉमनली किसी नाम से जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो हमें टेलीग्राम पे में फॉलो करें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करिए, और साथ ही स्टडी नोट्स के लिए आप हमारा ब्लॉग विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। आज हमने बात करी नेटवर्क डिवाइसेस की, अब हम बात करेंगे क्लास में कुछ और नेटवर्क टर्मिनोलॉजी की। तब तक हमारे साथ बने रहिए, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट्स जरूर करें अगर कोई सजेशन है तो।